वेलकम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, आप लोग के सिलेबस में है एक ज्योमेट्रिकल फिगर सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसके बेस के अबाउट भी और इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट भी। सपोज ये एक सेमी सर्कल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया सपोज ए बी सी, एक सेमी सर्कल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसके बेस के अबाउट और इसके सी जी के अबाउट। सी जी कितने से पास करेगा आपको पता है, इसका सी जी जो है 4r/3π, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, डिराइव किया होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे निकलेगा, इसके अबाउट भी और एक्स एक्सिस के अबाउट भी, जो कि सी जी से पास कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्मॉल एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, सपोज स्ट्रिप का नाम है पी क्यू, ठीक है। इसका जो थिकनेस है ये डी आर है, और यहां से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है स्ट्रिप का वो स्मॉल आर है, ठीक है, और ये बड़ी आर है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। ये जो थीटा यहाँ से बना रहा है, ये जो स्ट्रिप है ये थीटा एंगल बना रहा है, और स्मॉल सेगमेंटल जो स्ट्रिप है उसका जो थीटा है वो डी थीटा है। इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, जैसे ये वाला इसका सर्कमफेरेंशियल लेंथ इंटू थिकनेस, सर्कमफेरेंशियल लेंथ कितना होगा आर इंटू डी थीटा, लेंथ ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अगर एरिया का बात करें तो इसका लेंथ सर्कमफेरेंशियल लेंथ इंटू थिकनेस से अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू आर डी थीटा इंटू डी आर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस स्मॉल स्ट्रिप का इस बेस के अबाउट पहले निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट बेस एसी, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये आर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, तो r sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इसका एरिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि r d थीटा इनटू dr, r sin थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला इसके यहां से ये वाला डिस्टेंस, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये एरिया इनटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्क्वायर अगर करते हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए स्मॉल स्ट्रिप अबाउट इट्स बेस, ठीक है। इसको हम लोग रीअरेंज अगर करें तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब डी आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसमें आर वाला टर्म भी है, थीटा वाला भी टर्म है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट जो करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग जीरो से लेके पाई तक थीटा का वैल्यू को, और आर के वैल्यू को कितना जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट करेंगे। अगर होल सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ होल सेमी सर्कल अबाउट इट्स बेस एसी, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो टू पाई और जीरो टू आर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आर क्यूब डी आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, सॉरी आर क्यूब ये डी आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग का जो टर्म बन के आया था वो कितना था, जीरो टू आर, आर क्यूब डी आर जीरो टू पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आर फोर बाय फोर, इसका इंटीग्रेशन पाई बाय टू, ठीक है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करिए तो जो वैल्यू आता है फाइनली, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका 0.393r4 ये वैल्यू आता है, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये किसके अबाउट है, ये सेमी सर्कल के बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेमी सर्कल का निकला। हम लोगों को किसके अबाउट चाहिए, इसके सीजी के अबाउट एक्स एक्स डायरेक्शन में, और इसका सीजी जो है इससे पैरेलल है और कितनी दूरी पे है 4r/3π के डिस्टेंस पे है,
तो पैरेलल एक्सियल थ्योरम लगा के हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अभी हम लोग को किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एसी एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस एसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स एक्स प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर, ये कर सकते हैं, जहां पे वाई क्या है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग को ये हम लोग को ये निकालना है और ये क्या है पता है, तो आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा आई ए सी माइनस ए वाई का स्क्वायर। आई ए सी हम लोग अभी निकाले हैं 0.393 R4 और एरिया क्या हो जाएगा आया स्क्वायर का आधा सेमी सर्कल में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4R/3π का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए तो ये जो वैल्यू आता है फाइनली आर के टर्म में ही 0.11 R4। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एसी एक्सिस के अबाउट और ये जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एक्स एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब सिमिलरली आपको एक और है सिलेबस में आपके क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें 0 to 0 to पाई हम लोग इंटीग्रेट किए थे तो इसमें क्या करेंगे 0 to 90 degree यानी 0 to π/2। तो जो फाइनल वैल्यू आता है कैलकुलेट करके इसका आधा हो जाता है। इस केस में क्वार्टर सर्कल के केस में अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सी जी एक्स एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो वैल्यू आएगा 0.055 R4। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक नया ज्योमेट्रिकल फिगर है, यहाँ पे हॉलो सेक्शन है, एक ट्रायंगल है, बीच में ये रेक्टेंगल हॉलो क्या हो जो सैडेड पोर्शन है सिर्फ वही पार्ट सॉलिड है और बीच में यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं है, ये हॉलो किया हुआ है रेक्टेंगल सेक्शन। इस तरह का अगर कोई सेक्शन मिले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्स एक्स डायरेक्शन में जो उसका सेंट्रोइडल, अगर ट्रायंगल सिर्फ रहता तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कितने में पास करता h/3 फ्रॉम बेस, लेकिन चूंकि ये हॉलो है बीच में ये एरिया काट के निकाल दिया गया है तो इसका जो सेंटर सी जी होगा एक्स एक्स डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया होगा इधर मतलब नीचे या फिर ऊपर, निकाल के हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन का इस पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा वाई बार, चूंकि ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स बार पता है, एक्स बार पता है कितना होगा 50, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50, लेकिन ये वाई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है इसलिए वाई बार पता नहीं है, वाई बार हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। ऐसे हॉलो वाले सेक्शन में हम लोग वाई बार जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, a1 y1 - a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 - a2। अब a2 किसको बोल रहे हैं, ये हॉलो वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन को, a1 किसको बोल रहे हैं पूरे ट्रायंगल को, a1 का अगर बात करें 1/2 बेस इनटू हाइट कितना है 90, अगर y1 का बात करें अगर ये सिर्फ सॉलिड रहता है बीच में हॉलो नहीं रहता तो y1 कितना होता h/3 यानी कि 90/3 = 30। अब A2 का अगर बात करें, A2 जो हॉलो पोर्शन है A2 का, A2 दिया हुआ डायमेंशन 20/30। Y2 का अगर बात करें, इसका CG यहां से कितने प्लाई करेगा 15, 30 है तो आधा प्लाई करेगा 15 Y डायरेक्शन में, लेकिन यहां से कितने प्लाई करेगा 30 + 15 = 15 यानी कितना हो जाएगा 45 mm। ठीक है, अभी सब वैल्यू को अगर हम लोग पुट करेंगे तो y बार क्या होगा निकल जाएगा 1/200 × 90 × 30 - 20 × 30 × 45 / 1/200 × 90 - 20 × 30। ठीक है, आप लोग पुट करिए तो y बार जो निकलेगा 27.69 इतना mm निकला इस सेक्शन का
पाई बार। इसको आप लोग देखिए एच बाई थ्री नहीं है, ये कुछ और वैल्यू है जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके पर्टिकुलर सेक्शन का वाई बार आया है। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट जो कि कितने में पास कर रहा है, कितने में पास कर रहा है बेस से 27.69। इस एक्सिस के अबाउट अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग का ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना पड़ेगा, उसमें घटाना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट, चूंकि उसका सीजी नहीं है, और ये रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट जो कि उसका सीजी, उसका भी सीजी नहीं है, तो अलग अलग मोमेंट आई एक्स एक्स वन माइनस आई एक्स एक्स टू करना पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि वो हॉलो सेक्शन है। ठीक है, तो आइए आई एक्स एक्स होल सेक्शन का जो होगा वो आई एक्स एक्स वन माइनस आई एक्स एक्स टू यही होगा। आई एक्स एक्स वन किसको बोल रहे हैं, होल ट्रायंगल, जब इसको हॉलो कंसिडर मत करिए, पूरा ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट जो कि उसका सीजी नहीं है। उस ट्रायंगल का सीजी कितने पे होगा, 90/3 एच बाय थ्री, जो कि कितने पे लाई करेगा, 30 पे लाई करेगा। इस ट्रायंगल का सीजी कितने पे लाई करेगा, 30 पे, और जिसके अबाउट निकालना है उसका सीजी कितने पे लाई कर रहा है, 27.69। यानी दोनों आपस में कुछ डिस्टेंस हो गया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगेगा, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसके खुद के सीजी के अबाउट प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर। इसके खुद के सीजी के अबाउट क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 36 प्लस ऑफ एरिया बटे दो बी इंटू एच, और जो ये डिस्टेंस है वाई का स्क्वायर। यह पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, इसको पुट करिए, आइए बी बी यानी बेस 100 इंटू एच 90 क्यूब बाई 36 प्लस ऑफ 1/2 बेस 100 इंटू हाइट 90, और दोनों के सीजी का, दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को ही वाई बोलते हैं, तो ये कहता हूँ 30 माइनस 27.69, और इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। ठीक है, इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना आता है, 2.05 × 10⁶ mm फोर, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये वैल्यू आप लोगों को आ जाएगा, आप लोग भी कैलकुलेट करके इसको क्रॉस। अब आइए आई एक्स एक्स टू निकालते हैं, आई एक्स एक्स टू यानी कि इस रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। इसका खुद का सीजी कितने पे लाई कर रहा है, 45 पे, ये 30 + 15 45 था ये वैल्यू, और जिसके एक्सिस का अबाउट निकालना है वो कितना है, वो कितने पे है, 27.69, यानी दोनों के बीच में आपस में गैप है और दोनों पैरेलल है, यानी यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि बी डी क्यू बाय 12 प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर। रेक्टेंगल का बी डी, रेक्टेंगल का बी कितना है 20, डी कितना है 30 क्यूब बाय 12 प्लस ऑफ एरिया रेक्टेंगल का 20 × 30, और दोनों के सीजी के बीच में गैप, इसका खुद का सीजी कितने पे लाई कर रहा है, 45 पे, और होल सेक्शन का सीजी जो है वो कितने पे लाई कर रहा है, 27.69, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए तो ये वैल्यू आता है 0.225 × 10⁶ mm फोर, आप लोग इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करिए। अब हम लोगों को क्या करना है, आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स एक्स वन माइनस आई एक्स एक्स टू, तो ये जो वैल्यू है 2.05 × 10⁶ माइनस 0.225 × 10⁶, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 1.825 × 10⁶ mm फोर, ये वैल्यू आता है आई एक्स एक्स।